लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर के नैनौत गांव में कुछ दिनों पहले महेश सिसोदिया ने एक फोर व्हीलर गाड़ी खरीदी थी, जिसे 4 फरवरी की देर रात कुछ अज्ञात चोर गाड़ी को चुरा कर ले गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित महेश सिसोदिया ने बताया कि शोरूम से एक चाबी ओरिजिनल और डुप्लीकेट चाबी दी गई थी और सुरजीत होंडा से यह गाड़ी खरीदी थी। 31 जनवरी को महेश सिसोदिया ने यह गाड़ी खरीद कर घर लाए थे और चोरों ने गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। फरियादी का आरोप है कि यह घटना शोरूम कर्मचारियों की मिलीभगत से हुई। फरियादी महेश गाड़ी की चाबियां लेकर इंदौर के DIG ऑफिस पहुंचा, जहां अपनी शिकायत दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। 31 तारीख को शाम को गाड़ी उठाई, उन्होंने ये चाबियां दे दी। अभी गई रात को जब चोरी हुई, बुधवार के रोज 4 तारीख को सुबह 5:40 पर गाड़ी गई, घर से उठी अपने। ये चाबियां अलग अलग होने के कारण हमने रात को बच्चे उन्होंने देखा फिर कि एक जो नई चाबी से लगाया स्टार्ट करे तो हुई नहीं, और ओरिजिनल से हो रहे थे 4 रोज से। अच्छा, और रात को ही पता चला, हमने कहा सुबह शोरूम पे बताते हैं और फोन भी कर दिया था उनको, आज मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उनकी गलती, गाड़ी चोरी हो गई, सुबह स्टार्ट करके ले गए। कौन सी कार थी आपकी? सुरजीत हुंडई से ली थी। कौन सी कार? क्रेटा। वो कब खरीदी थी आपने? 31 तारीख को शाम को उठाई। इसके कोई फुटेज वगैरह देख रहे हैं आपको? कुछ CCTV? हाँ है ना। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।